अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो हाजिर हैं हम न्यू व्लॉग के साथ। आज की ज़रा मेरी वीडियो जो है थोड़ा रूटीन के व्लॉग से हटकर है। आज मेरी गाड़ी का जो है इंस्पेक्शन है। सऊदी अरब में एक प्रोसेस होता है कार इंस्पेक्शन, आपको ज़रूरी है करवाना, अदरवाइज़ आपकी गाड़ी जो है वो फेल कर देते हैं और आप जो है रोड पर अगर वो फास्ट एक्सपायर हो जाए, यानी कार इंस्पेक्शन आपकी एक्सपायर हो जाए, 1 ईयर वैलिडिटी होती है उसकी, तो फिर आपको फाइंस वगैरह आते हैं। तो वो ज़रूरी है, मतलब वो चेक करते हैं आपकी कार जो है रोड पे चलने के काबिल है नहीं है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो आपको फिर रिपोर्ट बना के देते हैं। और अगर आपकी कार ठीक है तो वो जो है उसको अप्रूव करके और एक बार कोड लगा देते हैं आपके इधर शीशे पर, रियर मिरर पर। तो इससे ये है कि आपको जो है कोई पुलिस वाला जो है या चेक पोस्ट पर आपको जो है कोई परेशानी नहीं होती। अदरवाइज़ अगर वो एक्सपायर हो तो आपको 150 रियाल का फ़ाइन है यहाँ पर सऊदी अरब में। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग हैं हमारे भाई सऊदी अरब में, उनको पता लग सके कि इसका क्या प्रोसेस होता है, क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ इस इन्होंने ऐड की है, नहीं पहले जो है हम वॉकेबल जा सकते थे फहास कराने, मतलब इंस्पेक्शन कराने, लेकिन अभी जो है एक ऐप है उसके थ्रू आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। अपॉइंटमेंट लेके टाइम सेलेक्ट करके फिर उसी टाइम के बिटवीन आफ्टर और बिफोर 1 आवर्स के अंदर आपको जो है जाना है और ये इंस्पेक्शन करानी है। तो हमारे साथ रहिएगा वीडियो के आखिर तक ताकि आपको और मालूम। तो गाइज पेट्रोल जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था तो सोचा फुल करा लें टैंक, उसके बाद जो निकलेंगे। 95 का टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाना था तो मैंने अपने ऑफिस के कुलीग को ले लिया साथ, थोड़ा टाइम पास भी हो जाएगा, गपशप भी हो जाएगा। ये हमारे ऑफिस में साथ ही होते हैं, एक साथ हम काम करते हैं, जो है हम लोग साथ जा रहे हैं। और असल में वहाँ पे जो है काफ़ी रश हो जाए, वेट करना पड़ता है गाड़ी में बैठे बैठे, तो अकेले थोड़ा थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने कहा दोस्त साथ हो जाएगा तो जब तक जाते हैं बोर्ड में हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको साथ ले लिया। तो अभी मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, तो हम अंदर हो गए हैं। अभी हम अंदर भी एक लाइन बनी हुई है जो टोकन लेने के लिए बनी हुई है, आप देख सकते हैं सामने। तो अभी हम यहाँ से टोकन लेंगे पहले और फिर जो है इंस्पेक्शन कराने के लिए। तो यही हुआ, उसने सिक्योरिटी गार्ड ने जो है पूछा, मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ था अपॉइंटमेंट का, तो मैंने उसको दिखाया, जिसके पास नहीं था तो उसको वहीं से वो जो है वापस कर रहे थे। फिर बाद में पूछा कि एक SMS आया होगा, मैंने वो SMS दिखाया, उसके अंदर रेफरेंस बुकिंग रेफरेंस नंबर होता है वो दिखाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप एंटर हो गए, तो देखते हैं। ये हम वॉकिंग ट्रैक पे आ गए हैं और हमारी गाड़ी वो खड़ी हुई, ये ड्राइवर को जो है उतार देते हैं क्योंकि गाड़ी को चेक करते हैं ड्राइव करके, फिर नीचे से भी चेक होती है, ये पूरा प्रोसेस है, कंप्यूटर पे भी चेक होती है, स्टेयरिंग हॉर्न लाइट्स एवरीथिंग चेक होता है इधर। इसमें ये आपके शॉक ऑफ रिजर्व और टायर्स चेक होते हैं, कंप्यूटर पर रिपोर्ट जनरेट होती है। तो भाई ये होते हैं रूल्स जो पाकिस्तान में नहीं मिलेंगे आपको। गाड़ी में कोई काम तो नहीं था लेकिन फिर भी इन लोगों ने जो है एक छोटा सा काम निकाल लिया था, ब्रेक की एफिशिएंसी जो है मैक्सिमम 45 होनी चाहिए, तो मेरी जो थी 35 थी, तो इसलिए वो फेल कर दी थी। तो मैं अभी वो जाके ठीक करा के दोबारा लाइन में लगा हूँ, आप देख सकते हैं। अब ये वाली लाइन थोड़ी लंबी हो गई, असल में मैं सुबह के टाइम आया था तो वो लाइन थोड़ी छोटी थी। तो अब वेट करते हैं, देखते हैं, अभी वो काम करा लिया मैंने और जो है इंशाल्लाह अब तो पास हो जानी चाहिए। फिर जो है पास हो गया, ऑलमोस्ट डन, अब हम निकल रहे हैं घर की तरफ। आप देख सकते हैं ये एक बारकोड लगा दिया इन्होंने स्टिकर, जो स्कैन हो सकता है इजीली कहीं पे भी, कोई ज़रूरी नहीं है कि पुलिस रोकेगी तो ये स्कैन होगा। ये कैमरे लगे होते हैं स्ट्रीट्स पे और रोड्स पे, ये ऑटोमेटिक स्कैन होगा, अगर ये एक्सपायर हो जाएगा तो फाइन आता है, अगर एक्सपायर नहीं होगा तो आप बच जाएंगे। तो होपफुली आपको जो है ये वीडियो से जो है बहुत कुछ पता लगा होगा। बस ये है कि जब भी फास्ट कराने आए ये मेरी बात जहन में रखें, अपनी गाड़ी को पहले खुद चेक कर लें और
मैकेनिक से चेक कर लेंगे, क्योंकि हर बंदे को पता होता है इसकी गाड़ी में क्या काम है, तो वो काम करा के और अपॉइंटमेंट ले के आएँ बिना अपॉइंटमेंट के ना आए, क्योंकि अभी जो है बिना अपॉइंटमेंट वालों को वापस कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसी तरह के व्लॉग्स और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।